देखो हम लोग पढ़ रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर फर्स्ट। ये सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है वेरीफाई करिए ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी फॉर ईच ऑफ द वैल्यू ए बी सी। वैल्यू ऑफ ए बी सी आर गिवेन ए इज इक्वल 12 बी इज इक्वल माइनस 4 सी इज इक्वल 2। ये याद रहे आपको वेरीफाई करना है नॉट इक्वल। क्वेश्चन देखो नॉट इक्वल तो जब आप इसको लिखेंगे एलएचएस पार्ट को पहले क्या लिखा हुआ है ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। हम क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं ये ए जो है इसका ए पार्ट ए की वैल्यू गिवेन है 12 तो ए की प्लेस पर रख लेते हैं 12 बी की प्लेस पर माइनस 4 रखा हुआ है फिर सी की जगह कितना है 2 ये रख लिए तो 12 डिवाइडेड बाई ये ब्रैकेट में सॉल्व करो माइनस 2 हो जाएगा 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 2 6 12। ये आ गया आपका एलएचएस पार्ट। अब आरएचएस पार्ट इसी का सॉल्व करते हैं। आरएचएस पार्ट क्या है ए डिवाइडेड बाई बी इन वन ब्रैकेट प्लस ए डिवाइडेड बाई सी इन अनदर ब्रैकेट। वैल्यू ऑफ ए जैसा कि आपको दिया है 12 डिवाइडेड बाई बी कितना है माइनस 4 तो माइनस 4 रखिए यहां पर इन वन ब्रैकेट प्लस यहां गिवन है ए तो ए है आपका 12 डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ सी है 2 तो सी के प्लेस पर हमने 2 अभी इसमें कुछ किया नहीं जो वैल्यू है ए बी सी की वो मैंने रख दिया जो आपको गिवन है। अब करने जा रहा हूं 4 3 12 तो माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है प्लस 2 6 12। अब 6 से 3 माइनस कर लो तो पॉजिटिव 3 आएगा क्योंकि ये ग्रेटर है तो एल एच एस आया माइनस 6 और ये आया 3 तो हम क्या बोलेंगे एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस आर एच एस से इक्वल नहीं है और यही हमें प्रूव करना है नॉट इक्वल तो ये वेरीफाई कर लिया हमने हेंस वेरीफाइड लिख दोगे। फिर सेकेंड क्वेश्चन में ए इज इक्वल 10 है बी इज इक्वल 1 है और सी इज इक्वल 1 है तो एल एच एस पार्ट अगर इसका हम सॉल्व करें यहां पे एल एच एस है ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। बी प्लस सी वैल्यू ए का कितना है माइनस 10 डिवाइडेड बाई बी है 1 प्लस सी है आपका 1 ओके माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1 1 2 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा माइनस 5 2 5 10 होता है। वेरी गुड अब आर एच एस पार्ट को करते हैं। आर एच एस पार्ट क्या हो ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी यही है आर एच एस। देखो ये हमको नॉट इक्वल प्रूव करना है तो ए डिवाइडेड बाई बी ए कितना है माइनस 10 तो माइनस 10 डिवाइडेड बाई बी बी है आपका 1 लिख दिए प्लस ए डिवाइडेड बाई सी ए है माइनस 10 और सी है आपका 1 तो 1 से डिवाइड करोगे तो माइनस 10 ही आने वाला है आप जानते हो 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है प्लस इसमें भी माइनस 10 से डिवाइड करोगे 1 से तो इतना ही आएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे यहां पर मैं करिए दे रहा हूं इसको माइनस 10 और प्लस माइनस माइनस 10 तो माइनस 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा 20 तो ये क्या हुआ एल एच एस है माइनस 5 और आर एच एस है माइनस 20 तो ये क्या इक्वल है नहीं है इक्वल तो एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस। इस तरीके से ये वेरीफाई क्वेश्चन सॉल्व होता है नीचे लिख लेना है हेंस वेरीफाइड एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस वेरीफाइड नॉट।